रोशनी का नहीं, हमारे आदि का भी है। आदि हमारा खून, समझे ना। भल्लास के दिल में जागा रोशनी के होने वाले बच्चे के लिए प्यार। क्या भल्लास का ये फैसला इशिता को होगा स्वीकार? जी हाँ, सही सुना आपने। सीरियल ये है मोहब्बते में जल्द ही शुरू होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि रोशनी को नकार चुके भल्लास अब रोशनी के होने वाले बच्चे को हासिल करना चाहते हैं। दरअसल तोशी भल्ला अपने पोते आदित्य की आखिरी निशानी को अपने घर का चिराग मानती हैं, इसीलिए वो चाहती हैं कि आदि का बच्चा भल्लास के घर में ही रहे। तभी तो तोशी भल्ला एक मैटरनिटी हॉस्पिटल का कार्ड लेकर पहुंची हैं रमन के पास। वो बच्चा सिर्फ रोशनी का नहीं, हमारे आदि का भी है। आदि हमारा खून, समझे ना। तोशी भल्ला रमन से रोशनी की डिलीवरी और बच्चे की बात कर ही रही होती हैं कि तभी वहां आ जाती है आलिया। दादी की ऐसी बात सुन आलिया को लग जाती है ठेस, क्योंकि उसे लगता है कि अब इसी माँ की तरह दादी भी रोशनी को ही सपोर्ट करेंगी। तो हमारे घर के मामलों में मत बोला कर, चुप नहीं रह सकता क्या, चुप। इसके बाद रमन करते हैं नाराज आलिया को मनाने और अपनी बात समझाने का फैसला। मैं आदि से बात करती हूँ। माँ, आप चाहती हैं ना बच्चा घर में आए। आपको बता दें कि इसके बाद पूरा परिवार इकट्ठा होकर जाएगा रोशनी और इशिता के घर, ये कहने कि रोशनी की गोद भराई भल्ला हाउस में ही की जाए, लेकिन इशिता को ये फैसला नहीं होगा मंजूर। ठंडे दिमाग से सोचोगी, हमारे दिल की बात समझ जाओगी। जो होगा हम देखेंगे, हम सबसे विरोध करेंगे, लेकिन प्लीज आप हाँ बोल दो। चलिए अब चलते हैं तोशी भल्ला के पास और उनसे ही जानते हैं कि आज यहाँ क्या हो रहा है। खबर तो थोड़ी अंदर की है, क्योंकि हम रोशनी को यहाँ लेने आए हैं। रोशनी को नहीं, रोशनी के उस बच्चे को, क्योंकि वो हमारे घर का बच्चा है, आदि का बच्चा है। तो मिसेस भल्ला जो खास तौर पर उस बच्चे से अटैच्ड है, आदि के रहते, कि भाई मेरे परिवार का चिराग है, मेरा खून है, मेरा वारिस है, तो ये सब चीज़ें उसमें उलझ रही है वो। और उस इसके रहते अपने मन में उस चीज़ को रख कर वो रोशनी को लेने आई है, जबकि रोशनी से उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे तोशी जी, हमने सुना है कि इशिता रोशनी की गोद भराई भल्ला हाउस में करने से मना कर देंगी। हाँ, इशिता मना कर देती है। अभी आगे स्टोरी देखिए कि अगर इशिता मना करती है तो हम रोशनी को कैसे अपने पास ले जाएंगे। आप एपिसोड्स में देखिए, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपका ये फैसला आलिया को भी काफी हर्ट कर गया है तोशी जी। वही मैं कहना चाह रही थी कि अगर आलिया को बुरा लगता है, नेचुरली लगेगा ही कि भाई मेरे रहते ये मेरे पति का बच्चा है। तो अगर राइटर क्या करने वाले हैं, आलिया को कहाँ बिठाएंगे और रोशनी को कहाँ बिठाएंगे, ये हम आपको नहीं बताएंगे। वेल, एक तरफ रोशनी और उसका होने वाला बच्चा है तो दूसरी तरफ आलिया है। अब किसे चुनेगी इशिता, किसका साथ देगी इशिता, और इन सब चक्रों में रमन और इशिता का रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेगा, ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से पूजा तिवारी की रिपोर्ट, E24।